Hey guys, subscribe Narcissa and press the bell icon for get the latest notification. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं नर्सेज़ अप यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है यूपी एनएचएम के थ्रू, उसके मॉडल पेपर के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। और दूसरी न्यूज़ ये है कि 8 फरवरी को एम्स ऋषिकेश का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो ये क्वेश्चन है इसमें इमेज बेस, और जो ऋषिकेश एम्स में आने के चांस है, क्योंकि ऋषिकेश एम्स में ज़्यादा इमेज बेस क्वेश्चन पुट आउट करता है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं बेसिस के ऊपर हमने इंस्ट्रूमेंट और कुछ प्रोसीजर हैं उनके ऊपर हमने वीडियो बना रखे हैं। तो आपने नहीं देखा तो यहाँ से आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स मॉडल पेपर है 2019 का, जो अभी इसी बेसिस पे हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 1, चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय ए एडिस, बी कुलेक्स, सी मैंसोनियर्स, डी एनोफ्लीज। राइट आंसर इज ए एडिस। ड्रग किट बी इज गिवन ए पीएचसी, बी सीएचसी, सी एफआरयू लेवल, डी सब सेंटर लेवल। राइट आंसर इज डी सब सेंटर लेवल। तो फ्रेंड्स, इसमें किट और भी हैं अदर, अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो अगर आप रीड करना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एक ब्लॉग की लिंक मिलेगी, उस ब्लॉग पे आपको ये किट हैं जितने भी प्रकार की सभी आपको उस ब्लॉग के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओवुलेशन डे ऑफ ए वुमेन विद मेंस्ट्रुअल्स, डे ऑफ ए वुमेन इज 31 जनवरी, ए जनवरी 17, बी 7 अक्टूबर, सी 7 नवंबर, एंड डी नन ऑफ द अबो। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा ए जनवरी 17, क्योंकि इसके अंदर पूछा है ओवुलेशन डे, ना कि इसमें पूछा ईडीडी, इसके क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसमें पूछा है ओवुलेशन डे। ओवुलेशन डे होता है एक नॉर्मल एमसी पीरियड के अंदर 14 डेज के ऊपर ओवुलेशन हो जाता है, तो इसमें फीमेल के अंदर 31 जनवरी को एमसी पीरियड आया था, तो इसमें से 14 डेज लेस कर देंगे, जिसकी वजह से 17 जनवरी इसमें आ जाएगा। अगर इसमें ईडीडी पूछता तो ईडीडी इसमें हो जाता 7 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे, तो आप इसकी ईडीडी समझ के 7 अक्टूबर मत करना, इस क्वेश्चन को अगेन पढ़ना। नेक्स्ट, प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल स्टार्ट विद ए मीनार्की, बी ग्रोथ स्पॉट, सी मीनोपोज, डी थैलार्की एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो राइट आंसर इज डी थैलार्की एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बी लीव अगेन मेडिको अगेंस्ट, सी लेवल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डी लेवल एंड मेडिकल एडवाइस। राइट आंसर इज ए लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज ए गिंजिवाइटिस, बी ग्लोसाइटिस, सी स्टोमेटाइटिस, डी एडेनाइटिस। राइट आंसर इज ए गिंजिवाइटिस। आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर नीड टू क्लीन फ्रॉम ए बल्ब टू स्टेम, बी स्टेम टू बल्ब, सी मिडल टू स्टेम एंड डी मिडल टू बल्ब। राइट आंसर इज बी स्टेम टू बल्ब। आफ्टर टेकिंग स्टेम टू बल्ब एंड बिफोर टेकिंग में बल्ब टू स्टेम। सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर डिसइंफेक्टेड एनिमल वेयर आइटम इज ए 0.5% क्लोरीन, बी 2% ग्लूटराल्डिहाइड, सी 50-70% एल्कोहल एंड डी सेवलोन। राइट आंसर इज ए 0.5% क्लोरीन। फाइब्रोप्टिक आइटम आर डिसइंफेक्टेड विद 0.5% क्लोरीन, बी 2% ग्लूटराल्डिहाइड, सी 50-70% एल्कोहल एंड डी सेवलोन। राइट आंसर इज बी 2% ग्लूटराल्डिहाइड। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज ए गिंजिवाइटिस, बी ग्लोसाइटिस, सी स्टोमेटाइटिस एंड डी एडेनाइटिस। राइट आंसर इज बी ग्लोसाइटिस। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन का वेटेज होगा फंडामेंटल, कम्युनिटी और ओबीजी, मेनली जो ये तीन सब्जेक्ट हैं इनमें से आएंगे, और कुछ इसमें से क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे पीडियाट्रिक के
बाकी इसमें और अदर सब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज होगा वो होगा फंडामेंटल, कम्युनिटी और ओबीजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें देखते हैं सॉल्यूशन यूज्ड इन सक्शन बोतल बिफोर सक्शनिंग विद डिसइंफेक्शन पर्पज इज ए सोडियम हाइपोक्लोराइड, बी सेवलोन, सी क्लोरीन एंड डी साइडेक्स। राइट आंसर इज ए सोडियम हाइपोक्लोराइड। साइडेक्स इज आल्सो नोन एज ए ग्लूटराल्डिहाइड, बी फॉर्मेल्डिहाइड, सी कोर्सोलेक्स एंड डी हाइपोक्लोरेट। तो राइट आंसर इज ए ग्लूटराल्डिहाइड। कलर ऑफ द बैग यूज इन BMW फॉर डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट इज ए येलो, बी ब्लैक, सी ब्लू एंड डी पंक्चर प्रूफ कंटेनर। तो राइट आंसर इज ए येलो। पस फॉर्मेशन इन द सॉकेट ऑफ टीथ इज ए पेरियोडोंटल डिजीज, बी हेलाइटोसिस, सी चीलियोसिस एंड डी सोर्ट्स। राइट आंसर इज ए पेरियोडोंटल डिजीज। बैड ब्रीथ इज नोन एज ए पेरियोडोंटल डिजीज, बी हेलाइटोसिस, सी चीलियोसिस एंड डी सोर्ट्स। राइट आंसर इज बी हेलाइटोसिस। नेक्स्ट, क्रैकिंग ऑफ लिप्स स्पेशली एट द एंगल ऑफ माउथ इज ए पेरियोडोंटल डिजीज, बी हेलाइटोसिस, सी एंगुलर चीलियोसिस एंड डी सोर्ट्स। राइट आंसर इज सी एंगुलर चीलियोसिस। कॉमनली यूज सॉल्यूशन फॉर ओरल केयर इंक्लूड ए पोटेशियम परमैंगनेट 1:5000 to 1:6000, बी हाइड्रोजन परोक्साइड 1:8, सोडियम क्लोराइड एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग अमोंग द फॉलोइंग, ए एक्यूरेट, बी एरर फ्री, सी यूज स्टैंडर्ड एब्रीवेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबोव। अमंग द फॉलोइंग आर द स्किल्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, अमंग द फॉलोइंग आर द स्किल्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, ए ऑब्जर्वेशन, बी परकसन, सी पालपेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें जो है सारे के सारे फिजिकल एग्जामिनेशन के स्किल्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक रिक्वायर स्टेथोस्कोप, ए ऑब्जर्वेशन, बी परकसन, सी पालपेशन एंड डी ऑस्कल्टेशन। तो राइट आंसर इज डी ऑस्कल्टेशन। स्टेथोस्कोप की इनमें से किसमें ज़रूरत पड़ती है, तो सुनने में पड़ती है, पालपेट करने में ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें पाम की है। परकसन, इसमें परकसन हैमर आता है। ऑब्जर्वेशन, इसमें अपन सिंपली ऑब्जर्व कर दें। और ऑस्कल्टेशन, इसमें अपन सुनते हैं। तो इसमें एक तो फिटोस्कोप होता है और दूसरा होता है स्टेथोस्कोप। फॉर असेसिंग रेक्टम पोजिशन गिवन टू द पेशेंट इज, फॉर असेसिंग रेक्टम पोजिशन गिवन टू द पेशेंट इज ए सिम्स पोजिशन, बी नी चेस्ट पोजिशन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी सुपाइन पोजिशन। तो रेक्टम के लिए अपन ए एंड बी दोनों पोजिशन पेशेंट को देंगे, सिम्स एंड नी चेस्ट पोजिशन। एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन इज टेस्टेड यूजिंग विच अमोंग द फॉलोइंग टेस्ट, ए वेबर टेस्ट, बी रेने टेस्ट, सी रोमबर्ग टेस्ट एंड डी एलन टेस्ट। तो राइट आंसर इज बी रेने टेस्ट। फर्स्ट हर्ट साउंड S1 इंडिकेट क्लोजर ऑफ द वाल, ए मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल, बी aortic एंड pulmonic वाल, सी मिट्रल एंड pulmonic वाल एंड डी ट्राइकस्पिड एंड aortic वाल। राइट आंसर इज ए मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल। फर्स्ट हर्ट साउंड S1 इंडिकेट क्लोजर ऑफ द वाल, ए मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल, बी aortic एंड pulmonic वाल, सी मिट्रल एंड pulmonic वाल एंड डी ट्राइकस्पिड एंड aortic वाल। तो राइट आंसर इज ए मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज ए कैटरेक्ट, बी ग्लूकोमा, सी रेटिनल डिटैचमेंट एंड डी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। राइट आंसर इज ए कैटरेक्ट। क्रॉनिक अस्थमा लीड्स टू एटलेक्टेसिस, बी एम्फाइसेमा, सी सीओपीडी एंड डी न्यूमोनिया। राइट आंसर इज बी एम्फाइसेमा। ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स इन रेस्पॉन्स टू टेपिंग ओवर द एरिया ऑफ द फेशियल नर्व, ए चोस्टिक साइन, बी ट्रोजिस साइन, सी टेंडरनेस एट मैक बर्निंग पॉइंट एंड डी एलन टेस्ट। राइट आंसर इज ए चोस्टिक साइन। चोस्टिक एंड ट्रोजियस साइन है हाइपोकैल्सीमिया का साइन है। नॉर्मल लेवल ऑफ PSA इज 5 to 8 नैनोग्राम पर ml, 0.5 to 0.8 नैनोग्राम पर ml, 1 to 4 नैनोग्राम पर ml एंड डी 4 to 5 नैनोग्राम पर ml। तो राइट आंसर इज सी 1 to 4 नैनोग्राम पर ml। सॉल्यूशन यूज्ड टू ब्लैडर इरिगेशन इज ए NS, बी RL, सी ग्लिसरॉल एंड डी स्टराइल वाटर। राइट आंसर इज सी ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय ए एंटी डिप्रेसेंट, बी एंटी साइकोटिक, सी एंटी एपिलेप्टिक एंड डी मूड स्टेबलाइजर। राइट आंसर इज बी एंटी साइकोटिक। रेबीज इज आल्सो नोन एज ए मिन्ना मिट्टा डिजीज, बी हाइड्रोफोबिया, सी लेप्टोस्पायरोसिस एंड डी क्वास्की डिजीज। तो राइट आंसर इज बी हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, द फॉल ऑफ टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप इन जिगजैग मैनर इज टर्म्ड एज ए लाइसिस, बी क्राइसिस, सी हीमोस्टासिस एंड डी थर्मोस्टासिस। तो राइट आंसर इज ए लाइसिस। एडजुवेंट ड्रग यूज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इज ए हेलोजन, बी मेडिकेटेड एयर, सी नाइट्रस ऑक्साइड एंड डी प्रोपोपोल। राइट आंसर इज सी नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन, ए सबकुटेनियस इंजेक्शन, बी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन, सी इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड डी जेट्रैक इंजेक्शन। तो राइट आंसर इज बी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ए ब्रोंकोस्कोपी, बी सेलाइन टेस्ट, सी ट्यूबरकुलिन टेस्ट एंड डी स्पुटम कल्चर। तो राइट आंसर इज डी स्पुटम कल्चर। नेक्स्ट, डीप पाल्पेशन इज यूज टू असेस ए इंटरनल ऑर्गन, बी इंटेमा मसाजेज, सी स्किन ट्रिगर एंड डी बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज ए एंड बी, इंटरनल ऑर्गन्स एंड इंटेमा मसाजेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बस हमने आपको ये बताया है कि इस बेसिस पे जो पेपर होगा वो इस बेसिस पे पेपर होगा, और वहाँ पर आप पेपर करो तो कम से कम ये सोचना कि मेरे जो क्वेश्चन है वो गलत हों, क्योंकि यूपी जो NHM अभी जो फ़िलहाल हुआ था एग्ज़ाम CHO का, उसमें जो अप्रोक्स जो कट ऑफ गई थी वो 95 के अप्रोक्स गई थी 100 में से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस पेपर का भी स्टैंडर्ड सेम वैसा ही होगा और कट ऑफ अप्रोक्स लगभग उसके सेम ही होगी। 93-94 अगर जिसके सही होंगे उसके चांसेस हैं इसमें सिलेक्शन होने के। तो फ्रेंड्स, कम से कम इसमें नेगेटिविटी करने की कोशिश करना और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प करने की कोशिश करना, नेगेटिव इसमें होगी नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताना, हम आपका कमेंट का रेस्पॉन्स ज़रूर देंगे। अगर आप एम्स ऋषिकेश का एग्ज़ाम देने की तैयारी में हो तो वो जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो भी आप चेकआउट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।